देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज बुलेटिन में दिखाएंगे आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा देश भर में आयोजित किए गए सैकड़ों कार्यक्रमों की खबरें, जहां लोगों को व्यसनों तथा नशे के दुष्परिणाम और दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए संस्था निरंतर आयोजन कर रही है। बुलेटिन में आज पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां अंबिकापुर में कार्यक्रम में आए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारत सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने अपने अपने विचार साझा किए और तंबाकू को सभी के जीवन के लिए जहर बताया। अगर कोई शराब पी रहा है और थोड़ी मात्रा में पी रहा है, उसका कुछ मेजरमेंट होता है 30 ml ऐसा कुछ। अगर 30 ml कोई शराब पी रहा है तो सोचिए कि वो दवाई पी रहा है। 60 ml कोई दवाई अगर पी रहा है तो समझ लीजिए कि वो भोजन और दवा दोनों लिया। अगर वो 90 ml पी रहा है तो आप समझ लीजिए कि उसने दवा भी ली, खाना भी लिया, भोजन भी लिया और साथ में जहर भी लिया। इस दौरान छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत कर राजयोग द्वारा व्यक्ति कैसे व्यसन से मुक्त हो सकता है इसका संदेश दिया। लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे न मिलने पर लोग बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो उसे हमारा राज्य कैसे चल रहा है। आगे न्यू बस स्टैंड में भी सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई और नशा छोड़ने के लिए व्यसन मुक्ति दान पेटी में दान समेत शपथ दिलाई गई। आगे बात करें रीवा की, तो तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रमों के समापन सत्र एवं पत्रकार वार्ता में DD न्यूज के सलाहकार संपादक मनीष बाजपेयी ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने में समाज सेवी संस्थाओं की भूमिका सर्वोपरि है। रीवा, अपने आप में अगर आप देखिए तो पूरा इतिहास अपने आप में समेटे हुए और आप लोग तो ऐसे दिव्य पुरुष हैं। आप लोगों को वो मतलब कह सकते हैं परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है कि आप लोग इस जमीन से जुड़े हुए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मध्य प्रदेश के सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रमों का सफल आयोजन रहा। जन जागरण के लिए करेली के रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्ति शिविर में स्टेशन प्रबंधक अभिषेक साहू ने संस्थान के कार्यों को सराहा। करेली के आमगांव बड़ा में नशा मुक्ति शिविर का जनपद पंचायत सदस्य मालती देवी समेत अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। वहीं बड़ा मलहरा उपसेवा केंद्र में ग्रामीण लोगों को नशा मुक्त बनने की सीख दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शासकीय माध्यमिक शाला के प्राचार्य महेंद्र खरे शामिल हुए। भोपाल के कृष्णनगर सेवा केंद्र द्वारा भानपुरा में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में वार्ड 76 की पार्षद तुलसा वर्मा, नगर विकास मंत्री सुबोध साहू तथा अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आगे थाना चाक घाट में थाना प्रभारी अरविंद सिंह व सभी स्टाफ ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की। जवाहरगंज डबरा में नशा मुक्ति प्रदर्शनी का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। यहां कार्यक्रम में आए SDOP विवेक शर्मा व TI विनायक शुक्ला के द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात BK बहनों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। डोभी में रैली निकाली गई, जहां नारे लगाकर स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। रीवा के गढ़वा गांव में ग्रामवासियों को तंबाकू के निषेध से पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश दिया। इसी तरह हरपालपुर सेवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायत दिद्वार में आध्यात्मिक प्रदर्शनी से लोगों को तंबाकू से होने वाली अनेक बीमारियों के बारे में जानकारी मिली। यहाँ के रहवासियों का क्या कहना था ये भी सुनिए। व्यसन मुक्ति की जो प्रदर्शनी हमारे यहाँ लगी है, उससे समाज को ये प्रेरणा मिलेगी कि जो व्यसन करते हैं, बीड़ी तंबाकू खाते पीते हैं, वो भी अपनी इस पर विचार करके बंद करेंगे। इंदौर के इंद्रपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र ने भी इमली बस स्टैंड में व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी लगाई। आगे जैसी नगर में बच्चों ने ड्रामा के माध्यम से तंबाकू, सिगरेट, शराब, ड्रग्स से होने वाले दुष्प्रभावों को दर्शाया और मेरा देश नशा मुक्त और स्वस्थ हो का संदेश दिया। खजुराहो में दो अलग अलग स्थानों में कार्यक्रम संपन्न हुए। ग्राम घूरा में प्रदर्शनी द्वारा व्यसनों से आजाद होने की शिक्षा दी गई, तो सदुपुरा में कुछ लोगों ने तंबाकू, गांजा आदि छोड़ने का संकल्प लिया। संकल्प करता हूँ कि आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। इसी क्रम में भोपाल में कर्तव्यम नशा मुक्ति केंद्र के व्यसनियों को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक संदीप सागर ने राजयोग के प्रशिक्षण के लिए बीके बहनों को आमंत्रित भी किया। अब अगली खबर मनगवा के सब्जी मंडी की है, जहां लोगों ने व्यसनों का दान दिया और मंडी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने ऐसे सराहनीय कार्यों की अनवरत चलते रहने की अपील की।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जबलपुर में नेपियर टाउन सेवा केंद्र के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में मौजूद कैदियों को बीके बहन ने बताया कि किस तरह नशा केवल मनुष्य के शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। भोपाल के नीलबर्ट सेवा केंद्र ने शहर में मेरा भोपाल नशा मुक्त भोपाल अभियान में बाइक रैली निकाली, जहां मुख्य अतिथि एम्स के ऑनको सर्जन डॉक्टर योगेश शुक्ला, भोपाल कैंसर एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी उपस्थित हुए। सीहोर में मधुबन न्यूज की रिपोर्टर बीके अंतिम ने सीहोर मंडी और ग्राम पचामा में चलाए गए अभियान की पूरी जानकारी दी और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीहोर मध्य प्रदेश चल्ला मंडी माता मंदिर चौराहे से नगर वासियों ने व्यसन मुक्त वाहन के अंतर्गत अनेक प्रकार से नशा छोड़ने का कसम खाई और ये भी कहा कि नशा हम छोड़ेंगे भी, स्वयं भी छोड़ेंगे, दूसरों को भी छुड़वाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ की जनता का क्या विचार है। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हमें कुछ मिल जाए, वहाँ से ऐसी दवाइयाँ मिल जाए कि हम इससे छुटकारा पालें, ताकि आप हमारा जीवन सफल बना सको, हमारे बच्चों का जीवन सफल बना सको। तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे शराब छूटती है, गुटखा छूटता है, बीड़ी सिगरेट इत्यादि का कोई पैसा नहीं है या कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। केवल आपको ब्रह्मा कुमारी पहुँच कर वहाँ से निःशुल्क दवाई लेके अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है। कैमरामैन जितेंद्र विश्वकर्मा के साथ बीके अंतिम, सीहोर जिला। राजगढ़ जिले के पचौर में ब्रह्मा कुमारीज ने रेलवे स्टेशन में जाकर आने जाने वाले यात्रियों को तंबाकू छोड़ने के उपाय बताए और ट्रेन में पर्चों के माध्यम से संदेश दिया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन मास्टर हरीश मंदेरिया समेत मौजूद लोगों ने शपथ ली। इसी प्रकार पीथमपुर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र जी पटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अनुराग शर्मा शामिल हुए। इंदौर के वेंकटेश नगर एक्सटेंशन द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी तथा नुक्कड़ नाटक का आयोजन पलहर नगर गीता पाठशाला में किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी, समाज सेवी पवन जैन के कर कमलों से हुआ। आगे नशा मुक्ति शिविर का आयोजन उप सेवा केंद्र केसली पर भी हुआ, जहां समाज में बढ़ती हुई घरेलू हिंसा का मुख्य कारण व्यसनों को बताया गया। यहां कार्यक्रम में 11 स्टार क्रिकेट टीम केसली के कैप्टन ऋषि मासाब ने संस्था में आकर आभार व्यक्त किया। राजगढ़ के ग्राम हिरणखेड़ी में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां पीएचई के पूर्व वरिष्ठ इंजीनियर प्रताप सिंह सिसोदिया व अन्य अतिथियों समेत स्थानीय गाँव वासियों ने नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की। आगे रतलाम में रेलवे स्टेशन के परिसर में समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी द्वारा लोगों को सचेत किया गया। वहीं स्टेशन प्रबंधक विजय सिसोदिया ने इस उपलक्ष्य में अपने विचार साझा किए। नशा मुक्ति के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, यह बहुत ही अच्छी, लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर युवा वर्ग इससे पीड़ित है और छोड़ नहीं पा रहे। उनको सजग करने के लिए ये जो कार्यक्रम किया, ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि तंबाकू से कई लोगों की जिंदगी खराब होती है। रीवा सेवा केंद्र पर नशा मुक्त समाज बनाने की कोर कमेटी की बैठक शांति धाम झीरिया में हुई, जहां बैठक में मेरा रीवा नशा मुक्त रीवा विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में कोर कमेटी के सभी सदस्य और बुद्धिजीवी लोगों ने सहभागिता की। त्योथर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मेरा भारत स्वस्थ भारत के तहत आयोजन हुआ। सागर में व्यसन मुक्ति रथ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बीके छाया से कार्यक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर बात की। ईश्वरीय नशा हम करते हैं, उस नशे से मनुष्य का जीवन सुख शांतिमय बनता है। हमें आध्यात्मिक ज्ञान का नशा होना चाहिए, उस नशे से हमारा जीवन नारायणी नशा हमको चढ़ाना चाहिए। जिला सागर के राहतगढ़ में भी चित्र प्रदर्शनी और नारे लगाकर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान बाल कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया। शाजापुर सेवा केंद्र के द्वारा करेड़ी गांव में स्थानीय तथा बदौनी गांव के लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया। व्यसन मुक्ति अभियान की जानकारी समेत गाँव वासियों को बताया गया कि व्यसन शरीर के भीतर जाकर पोषक तत्वों को नष्ट करता है। तेंदुखेड़ा में नारों के साथ रैली मुख्य मार्गों से निकली। आगे नए बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ व्यापारी संतोष जैन ने संस्था के कार्यों को सराहा। अंत में नगर के कई लोगों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बिलासपुर की गीतांजलि सिटी में आयोजित समर कैंप के दूसरे दिन विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां गणमान्य अतिथियों ने अपना आभार व्यक्त किया और बच्चों को प्रेरित करते हुए उन्हें स्वर्णिम युग का भविष्य बताया। धमतरी के मगरलोड ग्राम पंचायत भरदा में गीता पाठशाला द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ऐसे ही अंबिकापुर के सब सेंटर बतौली द्वारा कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता रोमा सांडे ने महिलाओं को अपने घरों को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया। राजस्थान की खबरों में सबसे पहले देखते हैं पिंक सिटी जयपुर की खबर, जहां सांगानेर उप सेवा केंद्र द्वारा मालपुरा गेट थाने में नशा जीवन के लिए अभिशाप विषय पर कार्यक्रम हुआ, जहाँ थानाधिकारी रायसर सिंह शेखावत ने अपने विचार साझा किए। तो मेरा ये कहना आप लोगों से भी अभी आप ये स्पष्ट अपना एक इच्छा शक्ति रख लें कि मन में कभी गलत फहमियाँ और नकारात्मक विचार नहीं रखना है और हमेशा अच्छा काम करना है, ये मैं भी चाहता हूँ, ये दीदी भी यही चाहती है। बालोतरा राजकीय नाहटा जिला चिकित्सालय में तंबाकू मुक्ति प्रदर्शनी लगाकर स्थानीय लोगों से व्यसन दान करवाए गए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन परिसर में भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीनमाल सेवा केंद्र की ओर से सालासर बालाती मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हुआ, जहां बीके गीता ने सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न बस्तियों और आसपास के गांवों में किए गए 21 कार्यक्रमों की जानकारी दी। जोधपुर के ओसियान में ग्रामीण राजकीय चिकित्सालय में बीके बहन ने सभी से नशा मुक्ति के लिए नारे लगवाए, वहीं बच्चों द्वारा नाटक की प्रस्तुति दी गई। राजसमंद में जगह जगह जागरूकता अभियान चलाकर कई लोगों को नशा मुक्त बन खुशहाल जीवन के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की सलाह दी। देश के अन्य कई हिस्सों में भी व्यसन मुक्ति दिवस पर कार्यक्रमों का सफल आयोजन रहा। हरियाणा के रोहतक में शीला बाईपास सेवा केंद्र पर मुख्यालय सह मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने नशे से दूर रहने की सभी से प्रतिज्ञा कराई और शहर में रैली निकाली गई। ऐसे ही तोशाम में भी सेवा केंद्र पर गवर्नमेंट आईटीआई, आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय, राजकीय मॉडल स्कूल के अनेक विद्यार्थी उपस्थित हुए। बिहार में हाजीपुर राजपूत कॉलोनी द्वारा पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर जंक्शन में जन जागरण के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन स्टेशन प्रबंधक राजेंद्र भगत, उप स्टेशन अधीक्षक अंजनी कुमार सिंह ने किया। मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र ने सदर अस्पताल में प्रदर्शनी लगाई, जहां आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर नवीन कुमार ने तंबाकू एवं सिगरेट से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। आगे पटना सिटी में गुलजारबाग सेवा केंद्र ने पूर्व मध्य रेल के पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनी लगाई, जिसके पश्चात सेवा केंद्र पर भी आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई। तेलंगाना के काजीपेट में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी काजीपेट जंक्शन में लगाई, जहां सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने पैसेंजर्स को व्यसन रहित समाज बनाने का संदेश दिया। ओडिशा में मेरा कटक तंबाकू मुक्त कटक रैली में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्य सम्मिलित हुए। वार्ड 50 के कॉरपोरेटर संतोष भोल ने अपनी शुभाशय व्यक्त की। यह आयोजन कटक सेवा केंद्र और खान नगर सरकारी विद्यालय ने मिलकर आयोजित किया था। आगे जम्मू में नशा मुक्ति प्रदर्शनी मोबाइल वैन द्वारा अलग अलग स्थानों में लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों एवं नशे से मुक्त रहने के लिए जागरूक किया गया। इस रैली का उद्घाटन महापौर चंद्र मोहन गुप्ता द्वारा किया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।